बन जाए। नहीं चलाना हमका कोनो ढाबा बाबा यार, नहीं करना हमको कोनो धंधा। हमको तो यही बात का दुख है कि तुम हमका कबो पहचान नहीं पाए। ऐसा है आज से ही ढाबा जो है हमेशा खातिर बंद। बस ए बाबा ई का कह दिया, लक्ष्मी को सबके पैरन पे फेंक दिया। उठाओ उठाओ अभी उठाओ। ए बाबा उठा उसको, चल उठा। अरे नहीं चलाना ढाबा तो बंद कर दे। लक्ष्मी का ऐसे अपमान नहीं करते हैं, समझा? चल उठा। कितनी जल्दी हार मान ली तुमने, अपने सपने को इतना जल्दी भूल गए? एक आदमी ने तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश की, पर तुमने अपना सपना अपना ढाबा बंद करने का मन बना लिया। इससे राधे की जीत होगी और तुम्हारी हार। अरे बाबू वो हम हारना नहीं चाहते यार, ढाबा हमारी जिंदगी बन चुका है। हम अपने सपने को कैसे टूटता हुआ देख सकते हैं। बाबू तुम्हारे साथ के बिना तक काबिल भी नहीं ना कि हम सब कुछ अकेले कर सकें। बाबू बाबू हमसे हमसे जो गलती है उसके लिए हमका हमका माफ कह दो यार। अब कब्बो ऐसा नहीं करेंगे, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारी कसम खाई के कह रहे हैं, अब कब्बो ऐसा नहीं करेंगे। अब कुछ हो जाए मृदुआ पे कब्बो हाथ नहीं उठाएंगे, हम सच कह रहे हैं बाबू। बस तुम हमारे हमारे साथ रहो, हमारा साथ ना छोड़ो बाबू। कहे कि तुम साथ हो ना, हम कुछ भी कर सकते। बाकी तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाएंगे यार। हम तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं, पर बस तुम अपने अपने वादे पे बने रहना। बाबू तुम कमाल हो यार बाबू, इसलिए तुम पे हमेशा फिदा रहते हैं बस हम यार बाबू। बाबूजी फोन काहे नहीं उठा रहे? वाह वाह बाबूजी,
हम कोमल। अरे बाबूजी तुम कहाँ हो यार? आदर्श जी आइए आइए आइए। अरे आइए भी, तशरीफ रखिए। बताइए कैसे बीती रात आपकी आरामगाह में? अच्छे से तो गुजरी ना? आदर्श जी, हमें आपके घर में तलाशी के दौरान ये जेवर, ये सब हमें आपके घर से बरामद हुए हैं। आपके ही है ना? ये बताइए, ये सब आपके पास आया कहां से? जी, ये हमारी कुछ सेविंग्स थे जो हमने अपने लिए बचा कर रखे थे, और ये जेवर हमें हमारे ससुर जी ने तोहफे में दिए थे। अजीब बात है आदर्श जी, आप खुद बैंक में नौकरी करते हैं और इतनी नकदी बैंक में ना जमा करवा के आप घर में कैश रखते हैं, और कमाल की बात ये है कि ये जेवर आपको आपके ससुर ने तोहफे में दिए हैं। जी, ये मानने वाली बात तो नहीं है। लगता तो नहीं हमें कि आप सच बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। बहरहाल एक बात बताइए आदर्श जी, ये जो कार आपने खरीदी है, इसका 50% से ज्यादा आपने एडवांस कैश में दिया है, तो ये 1.5-2 लाख रुपया तकरीबन आपके पास आया कहां से इतनी जल्दी? जी वो हमने अपने पापा से लिए थे, उधार के तौर पर लिए थे। पापा से उधार के तौर पे लिए थे जी। चलिए, जो कुछ आप कह रहे हैं इसको क्रॉस एग्जामिन तो हम करेंगे, हम एंटी करप्शन वाले हैं। आपके पास एक एक पाई कहां से आई, खोद खोद के निकालेंगे। हवाला जी साहब, डाल दो इन्हें अंदर। चलिए, हम जानते तुम वो आदर्श के कारण परेशान हो, है ना? उसके कारण तुम्हारे परिवार वालों को जो झेलना पड़ा उसके लिए तुम भी बहुत दुखी हो। और ऊपर से देखो, हम लंट आदमी है, हम तुम्हारी मुसीबत और बढ़ाई दी। बताओ कृष्णा, आदर्श भैया की वजह से पूरा परिवार तकलीफ में, और सबसे बड़ा सदमा पापा को लगा है। ऐसा लगता है कि टूट से गए। अरे बाबू, यहाँ देखो, हमी तरफ देखो। अरे यार, मार बाबू ऐसे हारे वाली बात कैसे कर सकता है? अरे यार, कैसा है, एकदम ऐसे डट के जो है मुश्किल समय का सामना करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो कैसे ही जो बुरा वक्त ना ऐसे चुटकी बजाय भाग जाएगा। हाँ सही बताया रहे, और हो सकता है कि आदर्श बाबू भी जो है वो मतलब कुछ सबक सीख लें, सुधर जाए, है कि नहीं? पता नहीं, हमें तो शक है कि आदर्श भैया इससे सबक लेंगे। मुश्किल लगता है।
कल हम और पापा आदर्श भैया से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। क्या बन जाए।